नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कृषि कानून की वापसी के बाद किसान संगठनों का आंदोलन जारी रहेगा या घर वापसी करेंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे या घर लौटने का विकल्प चुनेंगे, इसे लेकर बुधवार यानी कि 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। हालांकि राकेश टिकैत जैसे बड़े किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानून लाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से संसद में कानून वापसी के दौरान सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बैठक की। जानकारी के मुताबिक पंजाब के कुछ किसान संगठन आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। हालांकि कुछ किसान संगठन MSP और अन्य बाकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। ऐसे में किसान संगठनों के बीच आम राय नहीं बन पा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से MSP पर कानून बनाने के अलावा आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और उनके स्मारक बनाने, प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने, बिजली संशोधन बिल वापस लेने के अलावा लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी मोनू के पिता अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।